दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम जाने वाले हैं जौनपुर टू मथुरा और आगरा, वहाँ से घूमेंगे, वहाँ से वृंदावन जाएंगे और काफ़ी जितने हमारे लड्डू गोपाल के प्लेसेस हैं जहाँ पे घूमने लायक हैं, वहाँ पे आप लोग को मैं ले चलूँगा। और वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिए। और हम बताएंगे आप कभी भी वहाँ पे विज़िट करते हो तो कैसे आपको इजीली आप वहाँ पे सारे प्लेसेस पे जा पाओगे। तो ब्लॉग पे बने रहिए, मिलते हैं गाड़ी में। अभी बहुत भी ज़्यादा थक चुके थे, अब हम लोग आ चुके हैं नेशनल हाईवे पे जो लखनऊ से आगरा जाता है और यहाँ पे सब लोग खाना पीना खा लिए हैं और अब गाड़ी हमारी तैयार हो रही है। ये देखिए हमारे सुनहार कुछ भाई लोग हैं, भाई जोगिंदर जो कि है नहीं, काफ़ी अच्छा हाईवे यहाँ पे आपको टू व्हीलर अलाउड नहीं है यहाँ पे और सब हैवी गाड़ियाँ है। इस रोड पे चलती है, यहाँ पे आप टू व्हीलर लाते हो तो यहाँ पे आपको फाइन देना पड़ जाएगा 3,000 के ऊपर। यहाँ पे टू व्हीलर लाने पे फाइन है, काफ़ी स्पीड हैवी बना दिए हैं। अखिलेश यादव जी जब हमारे मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने इस रूट का उद्घाटन किया था। आप आओगे 66 किलोमीटर तक यहाँ का एग्जिट कोई भी नहीं है, आपको 66 किलोमीटर डायरेक्टली आपको हाईवे टू हाईवे ही चलना पड़ेगा, कहीं अदर्स रोड आप नहीं पकड़ सकते हो जब तक आप 60 किलोमीटर तक नहीं इस रूट को कंप्लीट करोगे। तो फ्रेंड, आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप गलत रूट ना पकड़े। हम लोग फोर व्हीलर से 700 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं जौनपुर से आगरा की और अब हम लोग जा रहे हैं ताज महल। तो हम दिखाने वाले हैं कि हम लोग कितने लोग हैं। तो चलिए, आप टेंशन ना लीजिए, नहीं जिएगा। भाई है। हाँ। भाई है, भाई है। यहाँ पे सब लोग हैं हमारे साथ और यहाँ पे देखें फॉरेनर लोग काफी ज्यादा लोग आते हैं। तो अब हम लोग कर रहे हैं, राजू नाम है और यहाँ पे आपको हॉर्स भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ऊंट भी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे मौसा जी, मौसी भी हमारी यहाँ पे, हमारा भाई जोगिंदर भी है। यहाँ से अभी अलाउ नहीं है यहाँ को केमल राउट आने के लिए। तो अब हम लोग चल रहे हैं सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरनर लोग भी, यहाँ पे देख सकते हैं महल मुगल सल्तनत द्वारा ये बनाया गया है। और अब हम लोग ये है जोगिंदर भाई हमारे छोटे, हम सत्यम गुप्ता, ये हमारे चिंटू पिंटू और हम लोग जा रहे हैं ताजमहल देखने भाई। यहाँ पे सब फॉरनर को देख के इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इन लोगों को इंग्लिश आता नहीं है दोनों भाई को। जब यहाँ से आप फ्रंट गेट को पार करके ऐसे ही फ्रंट गेट में एंट्री मारते हो तो कुछ ऐसा दृश्य ताजमहल को आपको देखने को मिलेगा व्यू।
और हम आपको बता दें ताजमहल में एंट्री करने के लिए 50 रुपये का एक टोकन लेना पड़ता है, तभी आप ताजमहल के फर्स्ट गेट में एंट्री कर पाएंगे। और फ्रेंड आप ताजमहल के अंदर जाना चाहते हैं तो 250 रुपये का टिकट मिलता है, उसको आपको ताजमहल के यहाँ पहुँच के ही उसको टिकट को लेना पड़ेगा। और जो 50 रुपये का टिकट रहता है वो टर्निंग पॉइंट के ही यहाँ, या आप ऑनलाइन भी बुकिंग कर सकते हो, वहाँ पे QR कोड लगा रहता है। तो सिंपल है और ऐसा कुछ व्यू दिखता है। अब ताजमहल घूमने के बाद अब हम लोग मथुरा के लिए निकल चुके हैं। जब हम लोग यहाँ पे दाऊ जी महाराज के यहाँ आए तो हम लोग को पता चला कि दाऊ जी महाराज यहाँ पे भांग पी के विश्राम कर रहे हैं। 1 घंटे बाद इनका गेट खुलेगा। तो यहाँ फ्रेंड ये ध्यान देना पड़ेगा, हर मंदिरों में ऐसा होता है कि यहाँ पे गेट काफ़ी बंद रहते हैं, यहाँ पे टाइमिंग होती है गेट ओपन होने का, तो इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे आप टाइमिंग देख सकते हो ऊपर हमारे दिखाई दे रहा होगा। और तो हम लोग का प्लानिंग है अभी कि यहाँ पे करके हम लोग चलेंगे वृंदावन प्रेम मंदिर को देखेंगे, और यहाँ पे काफ़ी भूख लग चुकी थी तो हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था तो यहाँ पे हम लोग खाना खाए, काफ़ी टेस्टी नहीं था फिर भी था। और हम लोग रात में जब प्रेम मंदिर आ गए थे तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे प्रेम मंदिर बंद है, अभी सुबह ओपन होगा। तो रात में हम लोग एक गेस्ट हाउस में रुक चुके थे, तो अब हम लोग सुबह होते ही हम लोग बांके बिहारी के मंदिर में गए। वो वृंदावन से काफ़ी दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर दूरी पे है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग जैसे ही गाड़ी से उतरे यहाँ पे आप लोग को टीका लगाने वाले मिल जाएंगे, 10 रुपये लेते हैं। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, आप अपने चश्मे को और मोबाइल को बचा के रखिए, यहाँ पे बंदर जब छीन लेते तो उन्हें पेप्सी देना पड़ता है, माजा देना पड़ता है, तभी आपके चश्मे को छोड़ते हैं, नहीं तो आपके चश्मे को तोड़ देते हैं। तो फ्रेंड इस बातों का ध्यान रखना। और यहाँ पे हम लोग को ब्लॉग बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल होगा क्योंकि इतनी क्राउड है कि इसमें हम कैमरे को या मोबाइल को अच्छे तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। आपको हम मंदिर का एक पिक पीछे ज़रूर डालेंगे, ज़रूर आप लोग देखिएगा, बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहती है यहाँ पे, ब्लॉग बनाना ही बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को कैसे मंदिर में भीड़ होती है। एक पिक्चर मैंने क्लिक किया था, यहाँ पे पिक्चर भी क्लिक करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे देख लेंगे कि आप पिक्चर क्लिक करते हो तो आपके मोबाइल को लेके रख लेते हैं, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मंदिर में आपको एक पिक दिखाता हूँ, तो यह है मंदिर का पिक। इतनी भीड़ रहती पूछिए। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम लोग कुछ दूरी पे निकले तो वहाँ पे हम लोग को एक मंदिर का नाम याद नहीं, यहाँ पे बताया जाता है जितने पेड़ हैं ये गोपियाँ हैं, जब कृष्ण भगवान पृथ्वी को छोड़ के जाने लगे तो ये लोग पेड़ का पौधे का स्वरूप ले लिए, तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको एकदम पूरे बांस से पूरा ऐसे गुफा टाइप बना दिया गया है जिसके अंदर ही रहा जाएगा, उसके अंदर नहीं जाया जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि पेड़ के पत्ती ना नोचे, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है। वहाँ के बताते हैं बाबा कि जब कृष्ण भगवान छोड़ के पृथ्वी जा रहे थे तो ये गोपिया ऐसे कुछ कहानी है, यहाँ पे आप जाओगे तो एक पत्थर पे इसे लिखा गया है, तो या वहाँ पे जो गाइडेंस होते हैं ये सब बताते हैं। तो हम लोग गाइडेंस नहीं किए थे कि जो पनिया जब भरा लगता वो इसे बन गया, तो काफी फास्ट कृष्ण भगवान के समय निकलोगे तो रास्ते में ही प्रेम मंदिर पड़ता है, लेकिन सुबह के टाइम में मंदिर खुला नहीं रहता, शाम को 3 बजे के बाद ये मंदिर ओपन होता है। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे गोवर्धन पर्वत आ चुके हैं हम लोग। अब गोवर्धन पर्वत का हम लोग यहाँ से राउंड लगा रहे हैं, 1% का 100 रुपये लेते ई रिक्शा वाले, और पूरा राउंडिंग गोवर्धन पर्वत का पूरा राउंडिंग करवाते हैं। आप पैदल भी कर सकते हो, पैदल का भी बना है, लेकिन वहाँ पे आपका पर्सनल 4-व्हीलर नहीं जाएगा, ई रिक्शे जाते हैं जिसे हम हवाई भी कहते हैं।
वहाँ मैक्सिमम 30 से 40 किलोमीटर है वृंदावन से गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत को आप राउंडिंग लगा के फिर आप प्रेम मंदिर को आ सकते हो वापसी, और यहाँ से आप एकदम अच्छे से दर्शन कर सकते हो प्रेम मंदिर का। तो यहाँ पे आप आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत पे, एक मंदिर है जिसका नाम है गोवर्धन पर्वत, और हम लोग यहाँ से वापसी करके वृंदावन लोग विजिट हो चुके हैं। रास्ते में एक माँ वैष्णो देवी का मंदिर मिलेगा, इसमें आप जरूर विजिट कीजिए। रात में ऐसे ही प्रेम मंदिर दिखता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे अंदर एंट्री करने के बाद, प्रेम मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद ऐसा कुछ दिखाई दृश्य ऐसा ही कुछ दिखाया जाता है, इसमें काफ़ी एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया और कुछ ऐसे बनाए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप जाओगे तो मंदिर मैक्सिमम एक मिनट में कलर बदलते रहते हैं मंदिर का, आप वो देख सकते हो। अभी देखिए, अभी ये हरा हुआ, अभी ऑटोमेटिक ये मंदिर का रंग हरा है। इतनी अच्छी लाइटिंग की गई है कि आप उसको देख के काफ़ी कहो कि हाँ भाई मंदिर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार, घूमने लायक मंदिर है, प्लेसेस हैं। तो फ्रेंड अभी काफ़ी पीछे यहाँ पे आपको, पीछे आप जब जाओगे इस जस्ट इस मंदिर के पीछे, तो यहाँ पे पानी के ऊपर चित्र चलता है कृपालु महाराज का, इस पे महाराज जी भजन करते हैं, तो पूरा उसमें दृश्य पानी के अंदर दृश्य दिखाई देता है। पानी सॉन्ग के ऊपर देखिए कलर चेंज हो गया है, तो ऐसे ही कुछ होता है प्रेम मंदिर। तो इसके अंदर भी आप जा सकते हो, जितने क्राउड यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा क्राउड है कि फ्रेंड की पूछो मत। और यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि एक साथ सबको छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे लाइनिंग का सिस्टम कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं इतनी ज़्यादा क्राउड है कि आप पैर रखने के लिए भी आपको चलना पड़ेगा, आप बड़ी मंजिल की फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ की पूछे मत, क्राउड ज़्यादा हो चुकी है। हम भी काफ़ी धीरे धीरे चल रहे हैं, देख रहे हैं अभी कितनी मंदिर 3-4 कलर मंदिर बदल चुका है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अभी हरा हुआ था, यहाँ पे भी नीला हो चुका है, अभी कुछ टाइम में गुलाबी हो जाएगा। कुछ देखिए अभी धीरे धीरे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है जहाँ मंदिर दिखा है, पहले यहाँ पे कलर जो कलर होने वाला है मंदिर का ऐसा कलर होता है। उसके बाद देख सकते हैं एक स्टेप और ऊपर आप जा सकते हो, देख रहे हैं आपको दिख रहा हो पानी डांसिंग का। देखिए इसमें कृपालु महाराज का भजन चलना स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा फ्रंट साइड में जाएंगे भी देख सकते हैं यहाँ पर कृपालु महाराज का भजन चल रहा है। उसके पानी के अंदर ही पूरा जैसे प्रोजेक्टर होता है तो हम लोग दीवार पे देखते हैं, लेकिन इसमें आप पानी के ऊपर देख सकते हो कृपालु महाराज का भजन चलता रहता है, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो। देखिए फ्रेंड मैं अभी सेंटर में आ रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछिए मत फ्रेंड। अभी मैं आ गया हूँ ए रुक जा भाई। अभी देखिए यहाँ पे कृपालु महाराज का इसमें भजन चल रहा है। इतनी देखिए मेरी मोबाइल ही गिर गई फ्रेंड क्योंकि इतनी ज़्यादा क्राउड थी। अभी देखो देखिए फ्रेंड यहाँ पे राधा रानी का फोटो इसमें आपको पानी के अंदर दिखाई दे रहा है फ्रेंड, और देखिए यहाँ पे कृपालु महाराज जी भजन कर रहे हैं, पानी के अंदर ही सारा चल रहा है।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। आप जब भी मथुरा या वृंदावन जाए तो यहाँ पे ज़रूर जाए। ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे अभी, और यहाँ पे लाइनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जैसे पब्लिक वैसे जा रही है। यहाँ पे बहुत लाखों की जनसंख्या यहाँ पे आ चुकी है। अभी मंदिर में कचरे के माफी श्रद्धालु भरे पड़े हुए हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर के बाहर का नज़ारा है, इतना क्राउड है कि आप बोल नहीं सकते। और यहाँ पे से बाइक भी जाती है, फोर व्हीलर भी जाती है, इतना क्राउड था फ्रेंड कि पूछो मत। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट बंद हो चुका, 8 बज चुका था, 10 बजे मैक्सिमम ये बंद हो जाता है, 10 बजे या 11 बजे तो मंदिर बंद हो जाती है। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना ज़्यादा क्राउड कि आप पैर नहीं रख सकते। और इसी को देखते हुए हम आप कभी भी जाएं जन्माष्टमी, होली और गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पे कभी भी ना जाएं। वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, यहाँ पे कभी भी ना जाएं, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ रहता है कि आप दर्शन भी नहीं कर पाओगे।